बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस नेता देश का वातावरण खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए देश के विरोध में उटपटांग बयान देकर सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जो बयान दिया है वह निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस इस प्रकार के घटिया बयान देकर देश का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता जिनके बिगड़े बोल हुआ करते थे, उनको जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में घर भेज दिया। अब वो घर बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, तो किस तरह से बयान दिए जाएं जिसके कारण समाज में खलल पैदा हो, वैसा प्रयास सज्जन सिंह वर्मा जी कर रहे हैं। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, किसी भी कीमत पर जनता में कोई आक्रोश नहीं है, जनता में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, इसीलिए मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनी है और केंद्र में पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस और उसके नेता येन केन प्रकारण जो सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है उसकी खींच निकाल रहे हैं और इस तरह के बयान देकर वो देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है, राष्ट्रपति देश का होता है, और इसलिए इन पदों के खिलाफ बात करते समय कांग्रेस के नेताओं को संयम का परिचय देना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।